हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं मसालेदार मम्मीज किचन। सो गाइस, आज बनाने वाले हैं तिल की मिठाई, जो कि बहुत ही आसानी से और इतने कम समय में बनती है और इतना स्वादिष्ट बनती है गाइस कि आप यूं ही फटाफट से बना सकते हैं बहुत ही कम सामान से। चलिए, इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, बस ऐसे ही हमें फ्राई इसको मतलब ड्राई रोस्ट करना है। 5-7 मिनट लगता है इसको ड्राई रोस्ट करने में। इसको हम कर लेते हैं। इतनी कम समय में इतनी जल्दी से बन जाता है कि क्या बताएं आपसे, और स्वादिष्ट भी होती है खाने में। एक बार आप बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और मुझे बताइए, अपने फीडबैक दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कुछ गुड़ लिए थे, एक दो, उसको मैंने कद्दूकस किया है। कुछ बादाम और काजू हैं, आप किशमिश भी ले सकते हैं, और मैंने मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैंने नेस्ले का लिया है। इसी तरह से मिक्सर में हम डाल लेंगे काजू और बादाम, और इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर। इसको बढ़िया से हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ी सी डाल देते हैं तेल, 1-2 मुट्ठी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। मुझे टोटल 10 मिनट लगा था इसको बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं सारी, कुछ हमें बाहर से भी नहीं लाना होता है। आप फटाफट से बना भी सकते हैं इसको। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तिल के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है गाइस, इसलिए गुड़ मिलाना इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, मिलाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इसके। सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं इसके। अभी मैंने जो तिल भून के रखा था, इसको भी अच्छे से हम मतलब इसका भी पाउडर बनाएंगे, तिल का भी इसमें डाल देते हैं। चीनी डालेंगे, चीनी मैंने 150 ग्राम रखी है, ज़्यादा नहीं ली है, इतना मतलब क्वांटिटी तिल की है उस हिसाब से मैंने लिया है। और इसमें 2-3 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। इसको भी बढ़िया से हम ग्राइंड करेंगे, मैंने कर लिया, इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। इसी तरह से इसके भी हम पेड़े बना लेते हैं एक बार। बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है। अब इसके अंदर हमें लड्डू जो मैंने बना के रखा था फिलिंग कर देंगे। बहुत ही आसानी से फिल हो जाता है, इधर उधर से क्रैक भी नहीं होता। एक पेड़े की शेप देंगे, इस तरह से आप रोल कर सकते हैं, हाथों पे भी कर सकते हैं। इसको तो बनाने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, इसी तरह से आप बना लीजिए। और भी मैं इसी तरह से बना लेते हैं। अगर आपके तिल की बाइंडिंग ना बनती हो तो इसमें आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध मिला के इसका एक डो तैयार कर सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी स्वाद बहुत ही अच्छा जाता है। या तो घी भी मिला सकते हैं इसमें, मुझे सब चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं हुई, ये सब ऐसे ही बन रहा है। छोटा बड़ा साइज बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इतना ही बड़ा बनाएं, बस एक पेड़े की शेप में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा काफ़ी। इसे ऑफ प्रेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी फिलिंग अच्छे से इसमें मिल जाए। सो गाइस, हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा हम मिल्क पाउडर का डस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा मैंने पिस्ता से इसको डेकोरेट किया है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, आप अपना ख्याल रखें।